हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन फ्राइडे के दिन हम लोग आर्ट स्टॉक एनालिसिस करेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट वीक उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। जो मार्केट काफ़ी वॉलेटल रहा है अपना मई महीने में, तो फिर भी हम लोग अच्छा खासा उसमें स्विंग ट्रेडिंग में एक प्रॉफिट कमाया। जैसे कि कुछ हमारा बेहतरीन परफॉर्म वाला स्टॉक हम लोग अभी देखेंगे उसका क्या आगे क्या करना है करके। तो आज का 8 स्टॉक रह गई, तो उसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे, एग्जैक्ट एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस भी मेंशन करेंगे। आखिर तक ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। हम लोग लास्ट वीक में भी 8 स्टॉक एनालिसिस किए थे, तो काफ़ी मार्केट वॉलेटल रहा, कुछ स्टॉक में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, ओवरऑल महीने में स्टॉप लॉस हिट हुआ कुछ स्टॉक, और कुछ आउट परफॉर्म भी किया, जैसे कि टिमकेयर इंडिया आउट परफॉर्म किया। तो हम लोग ब्रेकआउट के बाद एक्जैक्टली 3690 मतलब 3700 के आसपास हम लोग पिरामिडिंग का ऑप्शन भी एक हम लोग मेंशन किए थे, पिरामिडिंग भी कर सकते करके। अभी यहाँ पे एक ब्लॉक डील भी हुआ है, तो हमारा बाइंग लेवल के बाद लगभग आप देख सकते हो लास्ट मंथ से इनफैक्ट कैरी कर रहे हैं हम लोग, अराउंड 41% रिटर्न दे दिया। तो अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो यहाँ से भी आप होल्ड कर सकते हो फॉर बट बिग टारगेट पोजिशन लिए आप कैरी कर सकते हो, अगर 50% बुक करने भी वो भी कर सकते हो, तो आपका कॉल है दोस्तों। और दूसरा स्टार परफॉर्मर है मई महीने का शेफलर इंडिया। शेफलर इंडिया में भी हम लोग ब्रेकआउट लेवल पे आइडेंटिफाई किए थे, 3800 का बाइंग लेवल है हमारा। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा एक हाई लगाया देख सकते हो, और 4700 का हाई लगाया, तो आप रिटर्न देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया रिटर्न देखने को मिला है, तो अराउंड 23% इन अ मंथ। तो अभी काफ़ी रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, ठीक है, एग्जिट कर सकते हो। देखते हैं अभी कहाँ तक इसमें रिट्रेसमेंट होता है करके, अगर आपको अराउंड 3800 के आसपास अगर वापस वो लेवल पर आएगा, तो वापस उसमें आप एंट्री कर सकते हो जो रैली मिस किया, तो ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग आप उसमें एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अभी रिजल्ट भी अपना आने वाला है 4 तारीख को, तो ठीक है, अब सेफर साइड आप एग्जिट कर सकते हो। तो बाकी जुपिटर वैगन थर्ड, ये भी एक स्टार परफॉर्मर रहा अपना लास्ट अपना मई महीने में, तो ये भी अच्छा रिटर्न दे दिया, हम लोग ब्रेकआउट लेवल पर आइडेंटिफाई किए, तो तुरंत उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है, लगभग ये भी 35% रिटर्न दे दिया दोस्तों जुपिटर वैगन। तो जितने भी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है उससे कई गुना हम लोग को रिटर्न देखने को मिलता है स्विंग ट्रेडिंग में, तो ओवर नाइट रिस्क तो रहता ही है, लेकिन हम लोग टारगेट भी बड़ा रखते हैं, 1:2 इनिशियल टारगेट होता है हमेशा, तो उसके बाद हम लोग जैसे कि उसमें मोमेंटम रहेगा हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग अपना स्टॉप प्लेस करते रहेंगे आगे जाके। तो जुपिटर वैगन उसमें भी कोई वीकनेस नहीं है दोस्त, अगेन रेलवे थीम में हम लोग एक किया सिलेक्ट किया, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो उसमें भी बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अगेन मई महीने में भी रेलवे स्टॉक काफ़ी अच्छा इसमें न्यूज़ में था, तो तितागढ़ रेलवे में हम लोग एक ब्रेकआउट रेल पर एंट्री किए थे 1300 के आसपास, तो अभी ये भी इसमें बने रहिए, कोई वीकनेस नहीं है। अब टारगेट तो पास 1:2 तो मीट हुआ, लेकिन एनीवे तो इसमें अभी जैसे कि अपना इलेक्शन फेवर में आएगा, तो इसमें भी एक बढ़िया रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका सेम टाइम में हम लोग इरकॉन भी एनालिसिस किए थे, लेकिन उतना चला नहीं है, लेकिन अपना तितागढ़ रेल सिस्टम तो अभी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, तो उसको भी होल्ड कीजिएगा। और एक रियलिटी सेक्टर का स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट, ये भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास हम लोग एंट्री किए थे, 1445 रुपये के आसपास हमारा बाइंग लेवल थी, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है, इसमें भी कोई वीकनेस नहीं है, तो अभी ज़रूर एक मार्केट अभी लास्ट 2-3 दिन में वीक अपना वीक था, तो उसमें नीचे आया ज़रूर, अपना स्टॉप लॉस तो नीचे ही था काफ़ी, तो ठीक है, ऐसे ही होता है दोस्तों ट्रेडिंग, वन वे में कभी स्टॉक चलता नहीं है, तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हो। अगेन रियलिटी सेक्टर अब मैं बुलिश हूँ दोस्तों। उसके अलावा लास्ट मंथ में हम लोग बिटैन इंडस्ट्रीज में भी पोजीशन बनाए थे, एक लार्ज कैप में पोजीशन बनाए थे, तो एक्जैक्टली अभी ये लेवल पे ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो जिस दिन ये बड़ा कैंडल बना था हम लोग उसका नेक्स्ट डे हम लोग एंट्री किए थे, ठीक है, एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अभी उस दिन भी बताया था मैंने अराउंड 5300 के आसपास उसके पास रेसिस्टेंस है, वो लेवल अभी ठीक है, एक स्लाइटली पोजीशन हो सकता है, क्योंकि लार्ज कैप है, तो इतना आसानी से आपको ये टारगेट मिलने वाला नहीं है, तो आपको होल्ड करना पड़ सकता है और कुछ दिन। ओवरऑल एक अपना FMCG सेक्टर में भी तेजी आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग वो सिलेक्ट किया था, तो उस दिन में तो ठीक है, अभी आप अच्छा प्ले आउट हो रहा है, तो अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है, आप जिसके पास है होल्ड कीजिएगा, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, लगभग अराउंड 5100 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप प्लेस कर सकते हो। और पीडीलाइट अगेन लार्ज कैप हम लोग सेलेक्ट किया था, तो इसमें भी अच्छा रिटर्न दिया आपको देखने को मिल सकता है, अराउंड 2800 के आसपास हमारा बाइंग लेवल है, तो अभी इसका रेसिस्टेंस के आसपास आके अपना रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, तो एनी में अभी आप बुक किया तो ठीक है, एग्जिट कर सकते हो आप, अगर अगेन 50 MA के आसपास आए, तो हम लोग वापस उसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, अभी एक टाइमिंग आप एग्जिट कर सकते हो।
काफ़ी सारा स्टॉक में स्टॉप लॉस भी हुआ दोस्तों, और कुछ 4-5% भी रिटर्न दिया कुछ स्टॉक में हम लोग कॉस्ट भी निकल गया, जैसे कि किर्लोस्कर न्यूमेटिक, उसमें भी अच्छा खासा उसमें अपने को प्रॉफिट मिल गया, इरकॉन हो गया, डिस्टेक सिस्टम, और काफ़ी सारा अपना इसमें कोचिन शिपयार्ड तो है ही है, अपना पोजिशनल पिक है तो उसमें सब बने रही है दोस्तों। जो अब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप एग्जिट कर सकते हो, आप नया स्टॉक नया इसमें काम कर सकते हो। दोस्तों ये हफ्ते का 8 स्टॉक का हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो उसमें से 8 में से 2 स्टॉक होगा अदानी ग्रुप का। पहला अदानी एंटरप्राइजेस, तो अदानी एंटरप्राइजेस एक शानदार स्टॉक है दोस्तों, तो अभी इसमें रिसेंट स्विंग हाई है, अभी देख सकते हैं अराउंड 3463 का हाई लगा के रिट्रेसमेंट हुआ है, तो अभी क्या है उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है, तो अभी पर्टिकुलर गवर्नमेंट वापस आएगा तो उसमें एक अच्छा खासा उसमें बूस्ट हो सकता है स्टॉक प्राइस में, इसको एक फ़ायदा भी हो सकता है। अडानी एंटरप्राइज अगेन हम लोग हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 3170 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस लगा के इनिशियली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे, अगर हमारा फेवर में चले जाएगा तो हम लोग उसमें और फर्दर एनालिसिस करके हम लोग पिरामिडिंग भी करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस, तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा। और अडानी टोटल गैस इसमें एक न्यूज़ भी आप देख सकते हो, तो अगेन अडानी टोटल गैस कंसिडरिंग बिल्डिंग मोर प्लांट इन इंडिया एलएनजी प्लांट, तो अभी का और प्लांट जानने वाला है, तो इसके चलते हम लोग शॉर्ट लिस्ट किया अगेन 200 EMA और 50 EMA को अभी वो डिसाइसिवली ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 940 का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग उसमें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करेंगे। इनिशियल टारगेट होगा जैसे कि आप देख सकते हैं 1096 का टारगेट आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे अगेन। इसमें भी अगर ये लेवल पे प्राइस एक्शन देखेंगे उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग आगे क्या करना है देखेंगे। दोस्तों हमारा तीसरा स्टॉक है आज का पॉली मेडिक्योर, एक्चुअली क्या है लास्ट वीक में एक रैली मिस किया, ब्रेकआउट स्टॉक था ये, अच्छा खासा इस वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हुआ था तो हम लोग एक्चुअली मिस किया, तो हमारा रेडर में लेट आया है अराउंड 1700 के आसपास हम ब्रेकआउट लेवल था, तो ठीक है इनमें काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ उसके बाद तो वापस रिटेस्ट कर रहा है, तो अपना लगभग अराउंड 1750 के आसपास, तो अच्छा लेवल है दोस्तों, रिटेस्ट कैंडिडेट है, तो उसमें कोई अपना मेजर वीकनेस नहीं है फिलहाल, तो इवन फार्मा सेक्टर अच्छा चल रहा है तभी, तो इसको लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट किया अगेन। जो भी मिस किया रैली उसमें वापस री एंटर कर सकते हो, ये लेवल पे भी ठीक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल स्टॉक है, तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल पे 1710 के आसपास आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, तो अगर ये हमारा फेवर में जाएगा तो उसको वापस एनालिसिस करेंगे देखेंगे क्या करना है करके। इनिशियल टारगेट 1:2 सेम रहेगा, इसमें भी आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और एक आर एच आई मैग्नेसिटा स्टॉक है, चौथा स्टॉक है आज का, तो लास्ट ईयर में जितना भी रैली हुआ स्मॉल कैप मिड कैप में एक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, तो नहीं मैं एक नीचे के लेवल से लगभग अराउंड 500 के आसपास एक बेस बना के ये बाउंस बैक दे रहे हैं, तो अभी कल का दिन में अच्छा डिलीवरी हुआ, 4x डिलीवरी हुआ इसमें, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट लिस्ट किया, तो देखते हैं कैसा प्ले आउट होता है करके। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए अराउंड 675 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होगा, और ये जो लेवल है 823 का लेवल भी हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, तो अगर इसमें भी देखेंगे अभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला स्टॉक है दोस्तों, डाउनसाइड कैप्ट लग रहा है मेरे को आरएचआई मैग्नेसिटा, उसको भी आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों हमारा पांचवा स्टॉक है गरुवारे टेक्निकल फाइबर्स, अगेन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को ब्रेकआउट किया 2 दिन पहले, वॉल्यूम भी आप देख सकते हो लगातार वॉल्यूम आपको 2 दिन बिल्डअप देखने को मिला था, तो 2 दिन अभी आज भी थोड़ा सुस्त है एनीवे, तो कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हम लोग अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल वाला स्टॉक है फिलहाल, तो हम लोग क्या करेंगे तो 3490 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो इनिशियल हमारा टारगेट होगा लगभग 3840 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक अपना हाई भी है, अपना रिसेंट स्विंग हाई भी है, तो उसके लिए हम लोग टारगेट करेंगे, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल वाला स्टॉक है गरुवारे टेक्निकल फाइबर सेकेंड स्मॉल कैप, हम लोग उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में, तो देखते हैं अभी कल काफ़ी वोलेटाइल भी हो सकता है नेक्स्ट वीक क्योंकि रिजल्ट का माहौल है, तो आप संभाल के स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिएगा। और एक गोदावरी पावर अगेन हम लोग लास्ट मंथ से कैरी कर रहे हैं पोजीशन, तो देख सकते हो हम लोग वापस जो भी इसमें ट्रेड नहीं किया तो वापस एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, अराउंड 50 EMA के आसपास आके एक अच्छा रेस्पेक्ट देता है, तो इसमें पावर का कंजम्पशन अभी जैसे कि देख ही रहे हो नॉर्थ में, जैसे कि दिल्ली में भी रिकॉर्ड हाई अपना टेम्परेचर बढ़ गया, तो काफ़ी सारा स्टेट में अपना समर का जो वेव है हीट वेव है तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके चलते एक पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसमें भी आपको अच्छा तेज़ी देखने को मिल सकता है पावर अपना गोदावरी पावर, जो हम लोग एक्चुअली क्या पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में इसमें एक बार मिलता है अपने को 50 EMA के आसपास आके बाउंस बैक देता है, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों, तो उसमें जो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया पहले और एक अच्छा
अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस इनका इन द सेंस 900 रुपीज़ का एक स्टॉप, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद हम लोग को इनिशियल टारगेट होगा 962, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बनता है करके गोदावरी पर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। दोस्तों आज का सातवां स्टॉक है इन रियलिटी सेक्टर KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, तो कल ब्रेकआउट तो किया था, तो आज वापस एक हाई देख सकते हो अराउंड 312 का हाई लगा के वापस उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन उसमें वॉल्यूम इतना आज नहीं है, तो जैसे कि कल का जितना वॉल्यूम था तो एक शानदार वॉल्यूम था, वॉल्यूम प्लस प्राइस ब्रेकआउट था, तो अच्छा खासा एक उसमें एक अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है। अगेन रियलिटी सेक्टर में बुलिश हूँ, तो इसके लिए हम लोग उसको शॉर्ट लिस्ट किया। इसमें स्टॉप लॉस बनता है अराउंड, आप देख सकते हो कल का जो लो है स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हो। अगर हमारा फेवर में जाएगा तो एक अच्छा इसका अपसाइड मोमेंटम इसमें आपको मिल सकता है। देख शानदार कंपनी है दोस्तों KNR कंस्ट्रक्शन, जो एक रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है, इसको ज़रूर वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो आप। दोस्तों आज का लास्ट स्टॉक है, आठवां स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये भी एक ब्रेकआउट स्टॉक है दोस्तों, तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। तो फिलहाल अभी कल का दिन में भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिला था, तो आप देख सकते हो कल का दिन भी अच्छा वॉल्यूम था। आज भी ठीक है, ऊपर अपना ब्रेकआउट लेवल का ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है फिलहाल, तो उसके लिए हम लोग इसको शॉर्ट लिस्ट किया। तो देख सकते हैं अगर हमारा फेवर में जाएगा तो इसमें भी एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। तो हम इसमें भी स्टॉप लॉस होगा, आज का लो लगभग लो का हल्का सा नीचे अराउंड 441 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो सुप्रजीत इंजीनियरिंग एक का ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो चार्ट पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, तो इसमें भी आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो नेक्स्ट वीक में। दोस्तों ये जितना भी हम लोग 8 स्टॉक एनालिसिस किया उसको भी आप वीकेंड में स्टडी कर सकते हो, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉप लॉस तो लगता ही है, जो सबका लगेगा स्टॉप लॉस। तो अभी काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट ये हफ्ता या इनफैक्ट ये महीना, तो अभी नेक्स्ट वीक में भी जैसा रिजल्ट के बाद एक हफ्ता थोड़ा बहुत वोलेटाइल रहेगा, उसके बाद संभाल लेगा मार्केट, उसके बाद हम नॉर्मल काम कर सकते हैं। एनीवे ये इसका बीच में भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, तो अभी आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा स्ट्रिक्टली। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।